हे गाइस, बेटवर्मी हियर। गाइस, आज का टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, एंड हाँ, वो सही भी है। अच्छा, फाइनली हर सीजन की तरह बिटू भैया इस सीजन भी पकड़े गए। ये क्या बात करता है यार। तो चलो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी आप ग्रैंड मास्टर का स्कोर रीजन में चेक करोगे तो बिटू भैया आपको वहाँ पे रीजन में टॉप 2 में दिखेंगे। एंड बिटू भैया का स्कोर तो 23,400 है, एंड उनसे नीचे जो भी बंदे हैं उन सारे बंदों का स्कोर 22,000 ही है या फिर उनसे कम है। एंड आपको तो ये भी लग रहा होगा कि ये बिटू भैया की स्कोर की तो कोई बराबरी भी नहीं कर पा रहा, पीछे करना तो दूर की बात है। एंड ये टॉप 1 वाला मत देखना, ये भी उन्हीं के स्क्वाड का बंदा है। खैर, इसके पीछे असलियत क्या है क्या आपको पता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता होगा, तो चलो मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रीजन पे ये चेक करना पड़ेगा कि सारे बंदों ने कितने मैच खेला है बिट्टू भैया के कंपैरिजन में। तो उज्जैन गैंग का चेक करते हैं जो टॉप 3 में है, तो इन्होंने 779 मैच खेला है इस सीजन में रैंक में। एंड चौथे नंबर पे देखते हैं एक्शन बोल्ट भाई को, तो उनका मैच भी 781 ही है इस सीजन में रैंक में। एंड उसके बाद फिफ्थ नंबर पे बिलास भाई हैं, एक इनका भी चेक कर लेते हैं कि इन्होंने इस सीजन में रैंक में कितना मैच खेला है। तो इनका भी नंबर ऑफ मैच 791 ही है, बट अगर आपके बिट्टू भैया भगवान का देखे हुए नंबर ऑफ मैच, तो उन्होंने इस सीजन में रैंक में 1073 मैच खेल दिया है। मतलब अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एंड आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं तो रीजन पे जितने भी बंदे हैं उज्जैन गैंग से लेकर के एक्शन बोल्ट भाई से लेकर के आपके बिट्टू भैया भगवान, एंड उन सारे बंदों का आईडी 24 आवर प्लेइंग रहता है, मतलब एक मिनट के लिए भी ऑफलाइन नहीं जाता है। तो इसीलिए सबका नंबर ऑफ मैच 700 के करीब है, बट बिट्टू भैया का 1000 कैसे? एंड टॉप 1 में जो बंदा है वो बंदा का नंबर ऑफ मैच 1199 है। खैर, इनका भी रहता, बट इन्होंने तो स्टार्टिंग में पब्लिक को ये दिखाना चाहा कि मैं लाइव में पुश कर रहा हूं, इसीलिए इन्होंने चौबे गेमिंग के साथ लाइव में पुश किया, तो उस टाइम तो इन्होंने कुछ नहीं करा था। एंड उसके बाद जब इनकी 7 लाख पब्लिक चुतिया बन गई, देन इन्होंने सोचा कि अब कुछ तो गड़बड़ करना पड़ेगा टॉप 1 के लिए, क्योंकि फेयर में तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं टॉप 1 कर लूं। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। एंड आपके मन में ये आ रहा होगा कि जल्दी बताओ यार कि वो करता क्या है या फिर कैसे इतने ज्यादा मैचेज खेल लिया। सो डोंट वरी गाइस, बता रहा हूँ एंड प्रूफ भी दूंगा। तो बिट्टू भैया एक ऐसा ग्लिच यूज करते हैं जिसमें वो गेम में जाने के बाद 5 बंदों का ड्रम डैमेज लेते हैं, एंड देन वो अपने आप को इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट मैच में उनका रिकनेक्टिंग नहीं होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एंड देन उसके बाद वो उस मैच में से बैक आकर के लॉबी में आने के बाद दूसरे स्क्वाड के साथ मैच स्टार्ट करते हैं। एंड जब सेकंड वाला गेम और ये पहले वाला गेम बाकी के 3 बंदे बुझा कर देते हैं, तो फिर दोनों मैच का प्लस इनको फुल प्लस मिल जाता है। एंड डोंट वरी, वो ग्लिच मैं यूज करके भी दिखाऊंगा कि वो ग्लिच आखिर यूज कैसे होता है। तो चलो गाइज, आप लोगों के भगवान बिट्टू भैया ग्लिच कैसे यूज करते हैं वो मैं अब बताता हूँ। तो देख लो गाइज कि मैं अभी एक ग्रैंड मास्टर के स्क्वाड में हूँ, एंड मैं अभी इन लोगों के साथ एक मैच स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड गाइज, जैसे ही मैच स्टार्ट होता है उसके बाद हम लोग लॉबी में आ जाते हैं, बट लॉबी का कोई काम नहीं था इसलिए मैंने लॉबी को तो डायरेक्टली स्किप कर दिया। बट लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देख लो तो बरमुडा रैंक लिखा हुआ है, एंड लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे नीचे भी देख लो तो वहाँ पे वैग वाईटी है, एंड मेरे टीममेट्स भी वैग वाईटी है जो ग्रैंड मास्टर पे है। एंड देन उसके बाद आपको किसी सेफ एरिया में लैंड करना है जहाँ पे ड्रम हो, क्योंकि बिट्टू भैया को तो 5 ड्रम डैमेज लेना पड़ता है ना, तो मिल पे सबसे ज्यादा ड्रम है इसलिए मैंने मिल पे आया, और मिल पे यहाँ पे एक बंदा भी आया था तो मैं उसको डैमेज देके पूरा फिनिश कर देता हूँ। एंड उसके बाद वो अपने टीममेट्स को ड्रम के पास बुला करके ड्रम से 4 करके वो 3 से 4 ड्रम का ड्रम डैमेज लेते हैं अगर एक किल है तो, या फिर अगर किल नहीं है तो फिर तो वो कम से कम 5 ड्रम का तो डैमेज लेंगे ही। एंड मैं भी यहाँ पे 2 बार अपने टीममेट्स से ड्रम डैमेज लेता हूँ, एंड ड्रम डैमेज लेने के बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना है जिससे कि आपका रिकनेक्टिंग ना हो एंड आप इस गेम से निकल करके दूसरा गेम भी स्टार्ट कर सको। एंड देन गाइस, जब आपका ड्रम डैमेज कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद जो ऊपर में टाइम दिख रहा है सेफ जोन विल अपीयर इन 1 मिनट 30 सेकंड, तो वो सेफ जोन बनने देने का वेट करना है, क्योंकि अगर आप सेफ जोन बनने देने से पहले वो ट्रिक करोगे तो फिर आपका माइनस भी लग जाएगा। तो फाइनली देख लो गाइज कि सेफ जोन विल अपीयर इन 2 सेकंड दिखा रहा है, मतलब टाइम हो चुका है। देन उसके बाद आपको अपना नेट ऑफ करना है, एंड ऑफ करने के बाद तब तक वेट करना है जब तक कि आपको 2 से 3 बार नेटवर्क कनेक्शन एरर करके लिखेगा। जैसे देख लो कि यहाँ पे 1 बार नेटवर्क कनेक्शन एरर लिखा, तो आपको ओके कर देना है, एंड ऐसे ही करके 2 से 3 बार लिखेगा, एंड देन उसके बाद गाइज कनेक्शन टाइम आउट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से लिखेगा नेटवर्क कनेक्शन टाइम आउट, एंड उसके बाद जैसे ही आप ओके करोगे देन आपको ये गेम से बैक करके लॉबी में फेंक देगा। एंड गाइज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ओके नहीं क्लिक करना आपको, अगर ओके क्लिक करते हो देन ये आपको रीलॉग इन करने को बोल देगा, एंड उसके बाद आप जैसे ही रीलॉग इन करोगे देन आपका फिर से रिकनेक्टिंग हो जाएगा। तो याद रखना गाइज, यहाँ पे बैक करना है, ओके नहीं करना।
एंड उसके बाद बैक करने के बाद आपको अपने मोबाइल डाटा को ऑन करना है क्योंकि ये नेटवर्क कनेक्शन एरर लिख रहा है। एंड जैसे ही आप मोबाइल डाटा ऑन करोगे देन उसके बाद फिर से आप लॉबी में आ जाओगे एंड उसके बाद आप न्यू स्क्वाड मेंबर के साथ एक नया मैच स्टार्ट कर सकते हो। एंड बीच बीच में आप जैसे यहाँ पे ये नेटवर्क कनेक्शन एरर करके लिख रहा है वो गेम में भी लिखेगा, तो उससे चिंता नहीं करना गाइस। एंड उसके बाद जब आपका ये नया वाला मैच जो खेलोगे वो गेम खत्म होगा एंड आप गेम से बाहर आओगे तो आपको दोनों मैच का फुल प्लस मिलेगा अगर पिछले वाले मैच में आपके स्क्वाड मेंबर ने बुया कर दिया हो तो। फाइनली गाइस बिट्टू भैया की सच्चाई तो आपको पता चल ही गई होगी। एंड गाइस मैं बिट्टू भैया को सॉरी भी बोलता हूँ कि मैंने पब्लिक को बता दिया, बट गाइस कर भी क्या सकता हूँ कि ये फेयर गेम प्ले है एंड फेयर गेम प्ले वो हर सीजन कोई ना कोई मतलब चीटिंग तो कर ही लेते हैं। एंड पता नहीं अब तो उनकी 1 मिलियन की फैमिली होने वाली है फिर भी वो पब्लिक को चुतिया बना ही रहे हैं एंड पब्लिक चुतिया बन भी रही है। एंड गाइस अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दो एंड चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।